News 18, India. अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी पर पटना के वेटनरी ग्राउंड में जदयू की रैली शुरू हो चुकी है। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर जेडीयू बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। पार्टी के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता वेटनरी ग्राउंड भी पहुंचे हुए हैं। क्या यहां एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है, घटना घटने वाली है, इसके आसार साफ दिख रहे हैं। बड़ी भारी भीड़ वहां पहुंची है और जेडीयू के सभी वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंचे हैं। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद बिहार में इसका श्रेय लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। बिहार की सत में इसे लेकर सियासी पार्टियां आमने सामने आ गई। कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती के मौके पर बिहार के तीनों प्रमुख सियासी दल रैली कर रहे हैं। जेडीयू पटना के वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं आरजेडी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक समारोह आयोजित कर रही है और बीजेपी की तरफ से पटना के मिलर स्कूल में कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, आप कहां पर हैं मुझे बताएं, और दूसरी बात, तीनों पार्टीज की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर आई है और क्या इस रैली में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज कर्पूरी जयंती के मौके पर बिहार की तीनों प्रमुख पार्टियां आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी यहाँ पर कर्पूरी थोड़ा माइक अपने हाथ पास में रखिए, पीछे आवाज बहुत आ रही है तो माइक थोड़ा पास। जहाँ बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आज बीजेपी अपना मिलर ग्राउंड कार्यक्रम करने के लिए बुक कराई थी, लेकिन वहां पर जगह नहीं मिला और बीजेपी का यह आरोप है कि जेडीयू के तरफ से वो कब्जा कर लिया गया था। ऐसे में ये पटना बीरचंद पटेल पथ है, मुख्य सड़क पर यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और यहीं पर यह रैली चल रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस मैदान को लेकर मैदाने जंग पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था, क्योंकि आज के दिन जहां बीजेपी अपना रैली कराने के लिए मिलर ग्राउंड बुक कराई थी, उसको सरकार ने नहीं दिया, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और ऐसे में जब आज ग्राउंड नहीं मिला, क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता जो आज रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे वो वहीं पर ठहरे हुए थे, ऐसे में अब तक ग्राउंड नहीं खाली हो पाया, तो ये बीरचंद पटेल पथ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता बैठे हैं, सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके साथ अश्विनी चौबे हैं, इसके अलावा विजय सिन्हा हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और इस सड़क पर ये रैली चल रही है। तो बीजेपी का साफ तौर पर यह मानना था कि अगर इनको जगह नहीं मिलती है तो इसी सड़क पर ये बैठकर रैली करेंगे, तो वहीं मिलर ग्राउंड में जेडीयू की रैली चल रही है और एसके मेमोरियल हॉल में आरजेडी की रैली चल रही है। हालांकि भीड़ की अगर हम बात करें तो कहीं भी भीड़ कम नहीं दिखाई दे रही है। जहां भी आपकी नजरें जाएंगी, इस सड़क पर लोग बैठे हुए नजर आएंगे, तो वहीं वेटनरी ग्राउंड में भी जेडीयू के जो कार्यकर्ता और पार्टी के नेता हैं वो भी पहुंचे हैं और एसके मेमोरियल हॉल में हर जगह भीड़ की तादाद बड़ी है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी बहुत ही लोकप्रिय थे, जननायक उन्हें कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद केंद्र सरकार उनकी जन्म शताब्दी पर दिल्ली में बड़ा आयोजन कर रही है। कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और इसमें उनके योगदान के बारे में चर्चा होगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के साथ साथ भारत सरकार इनके सम्मान में एक बड़ा आयोजन कर रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 2 बजे यह कार्यक्रम होगा और उसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार ने उनके योगदान को याद किया है। वंचितों की सेवा और उत्थान के लिए आजीवन समर्पित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 100वीं जयंती समारोह, मुख्य अतिथि गृहमंत्री अमित शाह, भारत सरकार की ओर से यह पोस्टर जारी किया है और उनके जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में, मतलब कि जो उन्होंने योगदान दिया है, भारत सरकार अब उनके योगदान को याद करते हुए, उनके आदर्शों को याद करते हुए दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन करेगी। कल ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, जिसके बाद
अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी है, सब कोई इनकी तारीफ। जी अमित पांडे ये रिपोर्ट लाए थे, अमित पांडे हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि देते हुए। कहा जाता था जननायक तो थे ही पर बड़े ही मिलनसार थे और लोगों के लिए काम करने के लिए सबसे आगे तत्पर थे। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। कई एक बात इन्होंने कही कि उन्होंने कांग्रेस का पुरजोर विरोध किया था, ये किसी तरफ इशारा तो नहीं है अमित जी? पूरी तरीके से कर्पूरी ठाकुर की अगर हम राजनीति देखें तो कांग्रेस विरोध की ही राजनीति 1952 से वो करते आए हैं, और तस्वीरें राजनीति में बहुत बड़ा संकेत होती हैं। बीजेपी तो अपना ऑफिशियल स्टैंड यहाँ पर उन्होंने जाहिर कर ही दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन में हम रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, एक बार और इन तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं। देखिए इसमें लिखा है वंचितों की सेवा और उत्थान के लिए आजीवन समर्पित, यह कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा है और उसी विचारधारा का अनुसरण ये इस इन पोस्टर से ये जाहिर करना चाहती है बीजेपी और केंद्र सरकार की, हम उन्हीं के आदर्शों का पालन करने वाले हैं। और अगर जेडीयू और आरजेडी वहां पर अगर सरकारी स्तर पर अपने आप को यह क्लेम करती है कि हम उत्तराधिकारी हैं, तो हम भी व्यापक स्तर पर हम इस विचारधारा का अनुसरण करते हैं, भारत रत्न का सम्मानित किया और अब उनके सम्मान में। जी धन्यवाद अमित। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना का असर ये है कि केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे रही है। शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग खुशी मनाते हैं। अब वहीं बिहार में इस वक्त कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि पिता और पुत्र दोनों ने कांग्रेस के शासन में क्यों कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं दिलवाया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसका क्रेडिट केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मोदी जी एक तरफ राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के सनातन पुनर्जागरण का काम करते हैं, तो वहीं कर्पूरी जी को सम्मान दे करके वंचितों को सम्मान देते हैं। मूक जो समाज में वैसे वर्ग जिनको आवाज़ कर्पूरी जी ने दिया, कर्पूरी जी सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, उनको सम्मान दिया, यानी समाज का सम्मान है, पिछड़ों का सम्मान है, दलितों का सम्मान है, वंचितों का सम्मान है, सामाजिक समरसता का सम्मान है। ये लोग कर्पूरी जी को बेच करके वोट लेने वाले हैं लालू यादव और नीतीश को। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, यह उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। यह श्रेय के अधिकार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है, जिनके नेतृत्व वाली सरकार केंद्र की सरकार ने यह निर्णय लिया है।